नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विराम वाचने आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस भैंस को सिन्न वाली समस्या थी जिसमें पशु पिछले वाले पैर को या तो घसीट के रखता है या फिर झटके से पैर को उठाता है। डॉक्टरी भाषा में इस समस्या को अबार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला बोला जाता है। दोस्तों, जब यह समस्या किसी पशु में होती है तो वो पशु काफ़ी परेशान रहता है और चलने में भी इसे काफ़ी दिक्कत होती है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आइए पशु मालिक से विस्तार में बात करते हैं। कुमार गांव नगरा राणा बरोला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास पोस्ट घोड़ा। समस्या कब से है भैंस को? 15 दिन हो गए। अच्छा, पैर जो सदर करके चली कितने दिन हो गए? बिल्कुल इसको हो गए लगभग 15 दिन। तो कोई देसी इलाज या किसी को दिखवाया था? देसी इलाज नहीं, पहले इन डॉक्टर साहब पर करवाया था इलाज। पहले दूसरे पैर में थी और दूसरे पैर में दिक्कत हो गई है। चलो अभी आपके सामने इसका ऑपरेशन करते हैं, आपकी भैंस सही हो जाएगी पूरी तरह से। दोस्तों, सर्जरी शुरू करने से पहले सर्जिकल साइट को एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन किया जाता है। तत्पश्चात बड़ी ही बारीकी से लिगामेंट को फील किया जाता है और लिगामेंट को फील करने के बाद बड़ी ही सावधानी से लिगामेंट को कट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये काम बड़ी बारीकी से होता है, इसलिए इस तरह की कोई भी शल्य चिकित्सा आपको किसी भी पंजीकृत पशु शल्य चिकित्सक से ही करवानी चाहिए, अन्यथा जरा सी लापरवाही बड़ी समस्या को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, लिगामेंट कट होते ही पशु अपनी सामान्य चाल में आ जाता है और उसे किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होती है। दोस्तों, यह वीडियो सर्जरी के तुरंत बाद का है जिसमें आप देख पा रहे हैं पशु अपनी सामान्य चाल में आ चुका है और इसे किसी भी तरह की अब परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस तरह की समस्या जब कभी भी आपके पशु को हो तो हमें इस तरह की शल्य चिकित्सा जल्द से जल्द करवानी चाहिए, अन्यथा कई बार पशु के गिरने से पशु की हड्डी भी टूट जाती है। सर्जरी संपन्न होने के बाद पशु को दर्द निवारक इंजेक्शन एवं एंटीबायोटिक की एक डोज लगाई जाती है ताकि किसी भी तरह का संक्रमण एवं दर्द पशु को ना हो। दोस्तों, इस तरह की किसी भी शल्य चिकित्सा एवं इलाज हेतु आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और समय रहते अपने पशु की इन गंभीर बीमारियों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसा किसी व्यक्ति को इस तरह की पशु की बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहे और समय समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।